दुमका के दंगल से बीजेपी प्रत्याशी लुईस मरांडी भी जमकर पसीना बहा रही हैं। वो क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क भी चला रही हैं। एक तरफ जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन कह रहे हैं कि उनकी नाभि दुमका में गड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ लुईस मरांडी ने कहा कि वो तो दुमका की बेटी है, उनकी कोशिश है कि वो यहां हर वक्त हर घर तक अपनी पहुंच बनाए और जनता को उनका संदेश भी यही है। उनसे खास बातचीत की है न्यूज 11 भारत के संपादक अनूप सोनू ने, वो बातचीत हम आपको सुनाते हैं। हम बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी जो कि मैदान में हैं, दो दो हाथ कर रही हैं, डॉक्टर लुईस मरांडी जो कि इस सीट से विधायक रह चुकी हैं और कैबिनेट की मंत्री रह चुकी हैं, एक बार फिर से उपचुनाव में मैदान में हैं। दीदी से बात करेंगे। दीदी, अब बस दो दिन का बाकी है जोर आजमाइश में, चेहरे से आपकी थकान दिख रही है और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अब लग रहा है कि असल रंग में बीजेपी भी आ गई है और जेएमएम पहले से ही थी। दीदी, एक चुनाव के एक दिन पहले सरना धर्म कोड पर घोषणा करना, इसको क्या मानेंगे आप? देखिए, सीएम साहब का जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह का घोषणा करना, ये बिल्कुल ये चुनाव को प्रभावित करने वाला घोषणा है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2019 में भी उन्होंने एक से एक घोषणा किया था और उस घोषणा में से एक भी बिंदु पर काम करना शुरू नहीं किया आज के समय तक। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 10 साल में अगर जेएमएम की सरकार ने कुछ भी किया होता तो हेमंत सोरेन रांची में ही बैठ के यहाँ से चुनाव जीत जाते, लेकिन 10 महीने का वक्त कम वक्त नहीं होता? नहीं, मुझे नहीं लगता है 10 एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए 10 महीना का समय कम होता है। मुझे तो लगता है 10 दिन में भी दुनिया बदल सकता है, 10 महीना तो बहुत ज़्यादा समय है। पूरा का पूरा कैबिनेट एक तरफ और दीदी एक तरफ? नहीं, कैबिनेट एक तरफ हो सकता है लेकिन जनता हम सभी के साथ है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लुईस मरांडी को खास बनाती हैं इस चुनाव में? देखिए, लुईस मरांडी को कोई एक बात खास नहीं बनाती है, कई विषय है जो जनता उसको स्वीकार करती है। लुईस मरांडी यहाँ की बेटी है, लुईस मरांडी यहाँ की बहू भी है, लुईस मरांडी इसी धरती पर जन्म ली है और इसी धरती पर उसका परवरिश हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, यहाँ का ईंटा बालू पत्थर पेड़ पौधा सारा जान पहचान सा है। इसलिए लुईस मरांडी निश्चित रूप से मेरे पिता तुल्य, माता तुल्य सभी लोग आज भी हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी से हम अलग हैं। बसंत सोरेन ने भी एक मंच से कहा था कि मेरी नाभि दुमका की मिट्टी में गड़ी हुई है, तो ये सब बातें दुमका की जनता जानती है कि कौन कहाँ का है और क्या है और नहीं है, इसीलिए लोग कुछ भी बोल दे लोग जनता मान लेंगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मसान जोर का पानी बंगाल नहीं जाएगा, तो क्या बीजेपी इसलिए आंदोलनरत थी कि वो उसका पानी बंगाल जाए? कि हम लोगों का बीजेपी का आंदोलन इसलिए था कि मसांगजोड़ का पानी दुमका को ही मिले, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन? जो व्यक्ति जो दल 40 साल से यहाँ पर नेतृत्व किया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को घर घर तक पानी हम पहुँचा दे? क्या ऐसा नहीं लगता है उनको ऐसा करना चाहिए था कि यहाँ सिर्फ वर्षा के भरोसे लोग खेती ना करें? और आज जो चुनावी माहौल में वो सभा में इस तरह के बातें बोल रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए बात बोल रहे हैं। उनका नारा है स्वच्छ दुमका सुंदर दुमका, दीदी का नारा क्या? हर सुख दुख में हर घर घर में दीदी आपके साथ। अपने सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज 11 भारत दुमका।